गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर उषा सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बोकारो डीसी कार्यालय सभागार में जिला निर्वाची अधिकारी विजय यादव के सामने नामांकन पर्चा भरा। गिरिडीह लोकसभा सीट आसू पार्टी के खाते में चले जाने के बाद बीजेपी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। कब मोदी जी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, आज भी तारीफ कर रही हूँ। मोदी जी के कार्य जो है पूरा संसार तारीफ कर रहा है और मैं तो उनकी फैन हूँ। मैं बागी उम्मीदवार नहीं हूँ, आप लोगों को गलत फहमी है। चूंकि आजसू को ये सीट मिल गया और मुझे इसी बार इलेक्शन लड़ना ही था हर हालत में। गिरिडीह लोकसभा संपन्न समृद्ध है, लेकिन बावजूद इसके हमारे युवा पलायन हो रहे हैं। यदि मोदी जी को भी पता चलेगा ना, उनका भी दिल छलनी हो जाएगा। तो किसी ना किसी को अपने से हिम्मत करना होगा और ये लोकतंत्र है भाई साहब। लोकतंत्र में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी दल का अधिकार है। मैं भी अपने आप को प्रत्याशी के रूप में ला सकती हूँ, विजयी बना सकती हूँ और लोगों का सेवा कर सकती हूँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।